congratulations, 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 congratulations. जब बात हो खुदा की तो दुआ का जिक्र हो ही जाता है। वहीं बात अगर ब्रह्मा कुमारी चैनल की हो तो हर जुबान पर पीस ऑफ माइंड का नाम सबसे पहले आता है। जी हाँ दर्शकों, आज हम ब्रह्मा कुमारी द्वारा संचालित विज्ञापन मुक्त तथा फ्री टीवी चैनल पीस ऑफ माइंड की बात कर रहे हैं, जो परमात्मा का दिया हुआ वह उपहार है जिसने करोड़ों लोगों की जिंदगी को रूहानी खूबसूरती से संवारा है। यही नहीं, ये चैनल स्वयं भगवान से रूबरू मिलन मनाने का सेतु भी बना। अज्ञानता के तम को दूर कर अनगिनत भ्रांतियों को मिटाते हुए इसने 10 वर्षों की सुंदर और लंबी यात्रा तय की है। आध्यात्मिक चैनल होते हुए भी इसने एक ऐसे शिखर को छुआ है जो शायद ही किसी अन्य चैनल को नसीब हो। ईश्वर पर अटूट विश्वास, सच्चा प्रेम, सेवा भाव और समर्पण भाव के लिए प्रेरित करने के माध्यम का नाम है पीस ऑफ माइंड चैनल। आज का दिन सिर्फ इसलिए ही नहीं खास है क्योंकि आज चैनल की 10वीं वर्षगांठ है, बल्कि ये इसलिए भी विशेष है क्योंकि आज ही ओम शांति स्टूडियो ने भी 15 साल का सुनहरा सफर सफलतापूर्वक तय कर लिया है। पहले हम बात करेंगे ओम शांति स्टूडियो की, क्योंकि स्टूडियो ही पीस ऑफ माइंड चैनल को जन्म देने का जरिया बना। वो लम्हा भले ही जिंदगी का गुजरा हुआ कल हो, लेकिन जिंदगी का बहुमूल्य पल जरूर बन गया जब 2005 में संस्था की पूर्व मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी प्रकाशमणि और वर्तमान की मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी हृदय मोहिनी के कर कमलों से दिल्ली स्थित ओम शांति स्टूडियो का उद्घाटन संपन्न हुआ। उस दिन दादी जी के मुखारविंद से निकला हर शब्द स्टूडियो के लिए सचमुच वरदान बन गया। बहुत अच्छी सौगात मिली है ओम शांति स्टूडियो, जिसका अब उद्घाटन किया है। क्योंकि ये जो स्टूडियो बना है वो परम पिता परमात्मा की शुभ प्रेरणा से बनाया है और इस स्टूडियो द्वारा यही लक्ष्य रखा है विश्व के कोने कोने में संदेश पहुंच जाए। किस चीज का? सुख शांति का संदेश पहुंच जाए। पीस ऑफ माइंड चैनल वाले, ये बाबा का संदेश घर घर में पहुंचा रहे हैं, इसके लिए हमारी उनके प्रति बहुत शुभ भावना है। सदा ऐसे ही ये बाबा का संदेश सबको पहुंचाते रहेंगे। 10 वर्ष पूर्व 19 अप्रैल 2010 को जब इस पीस ऑफ माइंड चैनल की लॉन्चिंग हुई, तब यह उम्मीद नहीं थी कि इसकी जड़ें दुनिया के कोने कोने तक पहुंच जाएंगी। ओम शांति स्टूडियो और पीस ऑफ माइंड चैनल दोनों ही एक सूत्र में पिरोए हुए वे धागे हैं जो न केवल ब्रह्मा कुमारी परिवार को बल्कि हर आत्मा को परमात्मा से जुड़ने का सहज रास्ता दिखा रहे हैं। यह चैनल लोगों को यह यकीन दिलाने में सफल रहा कि जब कभी दिल पर गम का अंधेरा छा जाए या मुश्किलों से उबरने के लिए कोई श्रेष्ठ राह नजर ना आए, तो उस वक्त मन को सुकून देने वाला यदि कोई माध्यम है तो वह पीस ऑफ माइंड चैनल ही है। हमारे पीस ऑफ माइंड चैनल के 10 साल पूरे हो रहे हैं। उसके निमित्त मैं तो पहले करुणा भाई को विशेष जो निमित्त बना पीस ऑफ माइंड चैनल के लिए इतना पुरुषार्थ करके, उनको और उनके साथ में हमारे रवि भाई जी और गीता बहन, हरिलाल भाई व इनके सब साथी जो हैं, जो दिल्ली के स्टूडियो में भी और यहाँ गॉडलीवुड स्टूडियो में भी
पीस ऑफ माइंड चैनल के लिए उसका कंटेंट तैयार करके और रेगुलरली ब्रॉडकास्ट करने के लिए हमेशा भेजते हैं। इस चैनल के द्वारा लाखों हमारे भाई बहनों को भारत में और विदेशों में भी ईश्वरी ज्ञान और ईश्वरी योग क्या होता है, दैवी गुणों की धारणा कैसे करी जाए और सच्ची सेवा क्या है अन्य आत्माओं की, इन सब बातों का भिन्न भिन्न प्रकार के कार्यक्रमों के द्वारा जो प्रसारण होता रहा है उसके आज 10 वर्ष पूरे होते हैं। इसके लिए इस चैनल के जो भी कार्यकर्ता हैं, चलाने वाले हैं, उनको बहुत बहुत मुबारक हो। इस चैनल के कार्यक्रमों की बात करें तो आप देखेंगे कि एक ऐसा अनूठा चैनल है जो धर्म, जाति, रंग भेद, छोटा बड़ा आदि सभी भेदभावों के दीवारों को तोड़ने में सफल रहा है। इसका मकसद हर पल लोगों की खुशी के साथ सुंदर जीवन बनाना है। समस्त मानव जाति की जिंदगी उनके व्यक्तित्व में आध्यात्मिकता और नैतिक मूल्यों को बढ़ावा देकर सच्ची शांति, खुशी, आनंद और सुख की अनुभूति कराना है। पीस ऑफ माइंड पूरे विश्व में व्याख्यात हो गया है, घर घर में व्याख्यात हो गया है। हर एक पीस ऑफ माइंड चैनल देख करके अपनी स्थिति भी बनाता है, बहुत कुछ धारण भी करता है। और उसको जो आजकल मटेरियल जाता है वो गॉडलीवुड स्टूडियो से जा रहा है, तो इसका श्रेय गॉडली स्टूडियो के हरिलाल भाई को भी जाता है। पीस ऑफ माइंड चैनल ने आज अपने विभिन्न कार्यक्रमों के गुलदस्ते में वे सभी पुष्प जोड़े हैं जिससे हर टेस्ट वाले व्यक्ति ने इसकी खुशबू से खुद को सुगंधित किया है। परमात्म ज्ञान अनुभवों की दौलत से पूरे विश्व को एक दिव्य मशाल बनकर रोशनी प्रदान कर रहा है, क्योंकि इसमें हर वर्ग, हर समुदाय और हर उम्र के लोगों का खास ख्याल रखा जाता है। फिर चाहे ब्रह्मा कुमारीज के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय में होने वाला परमात्म मिलन हो या किसी भी वरिष्ठ भाई बहनों की आध्यात्मिक तथा नैतिक मूल्यों की जागृति लाती क्लासेस, ब्रह्मा कुमारीज के 20 प्रभागों द्वारा आयोजित सम्मेलन हो या त्योहारों का उत्सव, ये सभी कार्यक्रमों का सीधा प्रसारण पीस ऑफ माइंड चैनल के माध्यम से किया जाता है। ओम शांति स्टूडियोज इन दिल्ली दैट स्टार्टेड टू सर्व Bharat and the whole wide world 15 years ago, and now 10 years have been completed with the Peace of Mind channel. And so congratulations to the Peace of Mind team also. ब्रह्मा कुमारीज के 137 देशों में फैले 8,500 से अधिक सेवा केंद्रों द्वारा की जाने वाली सेवाएं एवं विभिन्न कार्यक्रमों को भी सीधा प्रसारित किया जाता है। एक तरफ अमृत वेला, डिवाइन कनेक्शन, माइंड मैटर्स, समाधान, एक मुलाकात और मुरली मंथन जैसे अनेक कार्यक्रम लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान और राज्यों की पराकाष्ठा से रूबरू कराते हैं, तो वहीं दूसरी ओर पीस न्यूज के माध्यम से ब्रह्मा कुमारीज की उपलब्धियों और विश्व भर में निरंतर बढ़ रही ईश्वरीय सेवाओं की जानकारी दी जाती है। पीस ऑफ माइंड चैनल ने ब्रह्मा कुमारीज संस्था के कई राज्यों ध्यान करने वाले साधकों को समाज में एक प्रतिष्ठित मुकाम पर प्रतिस्थापित किया है। पीस ऑफ माइंड चैनल एकमात्र ऐसा चैनल है जिसमें हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, मराठी, बंगाली समेत विभिन्न प्रकार की भाषाओं के कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। यहाँ तक कि ब्रह्मा कुमारी इसके सभी सेवा केंद्रों में होने वाली सेवाओं को चैनल पर चल रहे स्क्रॉल के जरिए प्रमोट किया जाता है। चैनल को आकर्षित लुक देने के लिए ज्ञान की बातों को सुसज्जित रूप से ग्राफिक्स, फिलर्स, गीत संगीत तथा कार्यक्रमों के प्रसारण हेतु प्रोमो दिखाए जाते हैं। समय प्रति समय आने वाले त्योहारों को दर्शकों के समक्ष बड़े ही सहज, सकारात्मक व आकर्षित तरीके से प्रस्तुत किया जाता है। पीस ऑफ माइंड चैनल एक आध्यात्मिक चैनल होते हुए किसी भी प्रकार के किसी एक पंथ के या विचारधारा के ना रह के पूरे परिवार बैठ करके सभी धर्म के लोग भी इस चैनल को देखते हैं, और बहुत मुझे खुशी है कि हम लोग इस कार्य को
सदा ही चालू रखेंगे और सारा विश्व इसका पूर्ण लाभ लेते रहेंगे, ऐसी आशा करता हूँ। मन में असीम शांति व अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने के लिए ये सुंदर प्रभु उपहार हमने पाया है। शुक्रिया अदा उस परमात्मा का जिसने रवि भाई को निमित्त बनाकर पीस ऑफ माइंड चैनल के कलम लगाया है। जी हाँ, ब्रह्मा कुमारी संस्थान से जुड़े बीके रवि वो शख्सियत हैं जिन्होंने स्वयं को हमेशा परमात्मा का इंस्ट्रूमेंट माना और इस ईश्वरी संदेश को जन जन तक पहुंचाने के अपने दिव्य स्वप्न को ओम शांति स्टूडियो व पीएम टीवी चैनल के माध्यम से साकार किया। मुझे पिछली लाइफ जो तब तक मैंने जो जी थी, मुझे लगा कि मैंने तो सारा जीवन अपना वेस्ट किया। कुछ एम नहीं था, सुबह उठे और शाम को एक थॉट पे कि पैसे के पीछे या जो भी, एक बहुत लिमिटेड एक एम था लाइफ का और उसी के लिए लाइफ जी रहे थे। जब ये नॉलेज मिली राजयोग की तो पूरा लाइफ चेंज हो गई। तो मुझे ये लगा कि ये नॉलेज जन जन तक पहुंचनी चाहिए। आज रवि भाई के मन में निश्चित रूप से ये जज्बात उमड़ रहे होंगे कि लाख मुश्किलें क्यों ना आए राह में, लेकिन इस पल की भी फिक्र नहीं है मुझे, क्योंकि मैंने मोहब्बत उस खुदा से जो की है। इसलिए आज वे एक ऐसी मिसाल बने जिसने स्वर्णिम युग की स्थापना को नए पंख दिए हैं। उन्होंने ईश्वरी सेवाओं को नई रफ्तार दी है और उनके सफर में मुख्यालय माउंट आबू के गॉडलीवुड स्टूडियो का भी काफी योगदान रहा। तो मुझे एक लगा कि क्यों ना एक ऐसा शो शुरू किया जाए जिसमें क्वेश्चन जो एक आम आदमी के क्वेश्चन है उसके आंसर आए, और वो ये हमारी बहनें दी। बहन पूछे क्वेश्चन और दूसरी हमारे ब्रह्मा कुमारी बहन ने उसका आंसर दे, और वो ही एक थॉट के द्वारा ये प्रोग्राम शुरू किया। पीस ऑफ माइंड चैनल को खुराक देने वाला गॉडलीवुड स्टूडियो निरंतर हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, गुजराती, कन्नड़ समेत अलग अलग भाषाओं के कार्यक्रम व पीस न्यूज आदि कार्यक्रमों का प्रोडक्शन करने के लिए कटिबद्ध है। यह स्टूडियो सांस्कृतिक गतिविधियों को भी लगातार समाज के सामने प्रदर्शित करता रहता है। गॉडलीवुड स्टूडियो के कार्यकारी निदेशक बीके हरिलाल का हमेशा प्रयास रहता है कि पीस ऑफ माइंड चैनल में चलने वाले प्रत्येक कार्यक्रमों की गुणवत्ता बनी रहे, जिससे लाखों लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आए। पीस ऑफ माइंड चैनल अपने सफर के 10 वर्ष पूर्ण करके 11वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। इस मंगल वेला पर मेरी तरफ से और टीम गॉडलीवुड के सभी डिपार्टमेंट के इंचार्ज की तरफ से हम तहे दिल से रवि भाई का, उनके परिवार का, ओम शांति स्टूडियो के सह कर्मचारियों का तथा पीस ऑफ माइंड चैनल की गीता बहन और अन्य कर्मचारियों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, उन्हें अभिनंदन देते हैं और उनका अभिवादन करते हैं। और यही मंगल कामना करते हैं कि जिस प्रकार गौरवशाली 10 वर्ष इन्होंने सेवाएं की हैं, इसी प्रकार आगे ही भी ये सेवाएं करते रहें, यही हमारी दिल से शुभकामनाएं हैं। पीस ऑफ माइंड चैनल ने अपने 10 वर्ष सफलता के पूरे किए हैं और यह एक ऐसा आध्यात्मिक चैनल है जिसने जाति, धर्म और मजहब की दीवारों को तोड़ा है, लोगों को जोड़ा है, देश और दुनिया को एक सूत्र में पिरोने का काम किया है। लोगों के घरों में, लोगों को बेड में जाकर लोगों के तनाव, दुख, चिंता को हरने का प्रयास किया है। यह एक ऐसा चैनल है जिसमें सिर्फ देने के लिए कुछ भी नहीं, और अपने इस उच्च शिखर पर पहुंचा है जहां हर कोई पहुंचने की कोशिश करता है। पीस ऑफ माइंड चैनल संचालित करने वाले रवि भाई, ओम शांति स्टूडियो के साथी, हमारी पीस न्यूज डिपार्टमेंट के सभी सेवा साथी और हमारी तरफ से इस पीस ऑफ माइंड चैनल को बहुत सारी शुभकामनाएं। इसलिए आज के इस खास मौके पर ओम शांति स्टूडियो तथा पीस ऑफ माइंड चैनल की टीम को बधाई देते हैं कि यह सदा सफलता के कदम चूमती रहे। इसके साथ ही ये उम्मीद रखते हैं कि आने वाले दिनों में यह ज्ञान, पवित्रता, शांति, आनंद, खुशी और शक्तियों के रंग से लोगों का जीवन संवारने का प्रयास करता रहेगा व परमात्मा ज्ञान के प्रकाश से सारे जहाँ को रोशन करेगा। पीस ऑफ माइंड चैनल तथा ओम शांति स्टूडियो को ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। कांग्रेचुलेशंस, 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 कांग्रेचुलेशंस।